कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है भाई, और हवा चल रही है बहुत गंदी, और अब टेम्परेचर देखो तो -8 डिग्री है। चल रो ड्रोन, ये क्या है? भैया वापिस ले लो अपन। ये अंकिता है। हम आगे नहीं जाएंगे, रोड पर हड़ताल करेंगे। ऐसा है अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि धूप गई। वापस अब ना जाते हुए पूरा 3-4 किलोमीटर का कीचड़ वाला रास्ता, ये फ्रीज हो जाएगा। हम तो इग्निस में बांध लेंगे स्नो चेन, तो अपनी शिफ्ट का क्या करेंगे, इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे चलना पड़ता है इंजन ब्रेकिंग पे, एक्सीलेटर देना नहीं है, इंजन ब्रेकिंग से चलते रहो धीरे धीरे, हल्के हल्के से ब्रेक यूज करने हैं। बिल्कुल -5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे भाई, कीचड़ में गाड़ी पूरी कीचड़ कीचड़ हो रही है, और पानी देखो कैसे टप टप कर रहा है, और अपनी चल रही है फुल ऑन मस्ती, गाड़ी होगी फुल गंदी, और अपना यहाँ पे चल रहा है भैया कैंपिंग, अभी तो आग वगैरह जलाई हुई है, और इधर अपनी मैगी फुल ऑन सुन। दे रहे चल रो ड्रोन, ये क्या है? मैं जो आज कल अकेले में हूँ मुस्कुराता हूँ, मेरा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे। भाई 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 सुनो, ऊपर देखो क्या बोलती रे पब्लिक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दुनिया की तू परवान कर, हंस देगा। ऊपर देखो देखो ऐसे कितनी अच्छी लग रही ऊपर से आते हुए। अपना दिल तो आवारा ना जाने। अल्टीमेट व्यू, जाते जाते अभी हम कर रहे थे पैकिंग, और हो गया स्नोफॉल चालू रात में। देखो पता नहीं कैप्चर, इधर देखो इधर से दिख रहा होगा कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है भाई, अभी शुरू हुई है, और रोड पे ये देखो भाई स्नोफॉल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब निकल रहे फाइनली यहाँ से। -7 डिग्री और टाइम हो रहा भाई 9:25, तो फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं, फुल मस्ती डांस वगैरह कैंपिंग अल्टीमेट, और कोई नहीं है, सब सुनसान है चारों तरफ से, तो मिलते हैं सीधा। भूख लगी हुई है जबरदस्त, भयंकर बोले तो खतरनाक, दिल नहीं कर रहा है यहाँ से ना जाने का, बट क्या करे जाना तो है। तेरा दिल कर रहा है नीचे जाने का, सच बताना? नहीं, ये कपड़े वगैरह हम लेके गए थे दिन में रेंट पे, अब शॉप वगैरह सब बंद है, और फोन करके भी उनको बता रहे हैं भाई आपके कपड़े हमने पीछे डाल दिए हैं। तेरे बड़े पे गोली चलवावंगे, मनाली में जाके उदम मचावंगे। रात हो चुकी है भाई, टाइम हो रहा है कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, टाइम हो रहा है 2:04, और फुल भयंकर अंधेरा, रात रोड भी बिल्कुल खाली है, तो नॉन स्टॉप खींचेंगे गाड़ी को, चलते हैं, और गाड़ी की हालत देख लो कैसी है भाई। पानी है आपके पास यहाँ पे, मिल जाएगा? कहाँ पे? इधर टूटी है ना, कपड़ा गीला करके बस शीशा और लाइट साफ करनी है, दोनों गाड़ियों की विंडशील्ड हेडलाइट और फॉग लैम्प कर लिए क्लीन, तो अब चलते भैया नॉन स्टॉप आगे। नॉन स्टॉप तो क्या, वैसे हमें यहाँ पे जाना है 2 घंटे का रास्ता है, 86 किलोमीटर दिखा रहा है, और 12:00 यार घड़ी मेरी गलत टाइम दिखा रही है गाड़ी,
बारह बज के 9 मिनट, 12:07 होंगे वो। हाँ अरे यार 12:07 थी वो, एक ना दबा हुआ था। कहाँ है गाड़ी? ये रही। तो भैया चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एकदम सुनसान रोड है, बस हमारी गाड़ी चल रही है इस रोड पे भाई, कोई गाड़ी नहीं मिली है 10 किलोमीटर हो गए ना आते हुए ना जाते हुए। और रोड देखो कितना भीड़ा है, बस हमारी दोनों गाड़ियाँ कंटिन्यू है। रास्ता देखो कितना घुमावदार है मैप में, कर्व कर्व। मोबाइल होल्डर और ख़राब हो गया, पैरों के बीच में फ़ोन रख के चला रहा हूँ। 20 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, 20-25 मैक्सिमम। ये रात है, पहली बार जा रहे हैं इस रोड पे, कुछ पता ही नहीं है रोड के बारे में, टूटा हुआ है बना हुआ है क्या है, कब गड्ढा आ जाए, तो इसलिए अपना धीरे धीरे भैया तसल्ली से। बहुत कम लोगों को पता है लोकेशन यहाँ की, ये चल नहीं रहा रोड। हाँ मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है ना, तो पता चलेगा सबको। अपन गाड़ी दो है, हमको पता। हाँ सिंगल गाड़ी चले ना आदमी, दिल फटता रहे, मैं तो जाऊं भी नहीं। काफी है ना, फैमिली साथ तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे रोडों पे। हाँ वो हाईवे थे जैसे, कोई इशू नहीं था। हाँ। लेकिन इन पे तो नहीं जाना चाहिए। अब हरियाणा वालों को, अपनों वालों को, पंजाब वालों को पता नहीं ना अभी ऐसे ऐसे, तो इतनी लूट मार मच जाए बहुत ज्यादा, उनको भी नहीं पता कोई अपने जैसा बेवकूफ आएगा रात को, नहीं तो टेंट बिगाड़ मतलब लगा लेना। अब बेचारा कितने दिन भी इंतजार करेगा सर्दी में बैठ के। 2:43 और सामने मून है, अपना टेंट है, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी। अब नींद आ रही है तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं भाई। मैं तो गाड़ी में बेड पे अपना स्टे करने वाला हूँ। अतुल मौज आ रही है, अतुल आ गया, आ जाओ बोले आ जाओ भैया तुम, तेरे को आ जा। ये देखो यहाँ पे ही अपनी कैंपिंग वगैरह, गाड़ी में सूखे टेंट भी है और हवा चल रही है बहुत गंदी। और अब टेम्परेचर देखो तो 8 डिग्री है। हाँ सर्दी लग रही भाई, बाहर आए हो ना निकल के गाड़ी में और टेंट में अंदर, क्योंकि रजाई वगैरह में तब कुछ भी नहीं है। रात को देखो वहाँ से आए हैं, वो पहाड़ रोड दिख रहे हैं ना अंधेरे में। ये बताओ रात को डर लग रहा था जब आप कह रहे थे, बिल्कुल अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा वसूल, मेहनत वसूल, साले साहब बताएंगे। ये देखिए पूरा पैकेट खत्म, थोड़े बहुत बच्चे, ये पूरा वीडियो में आएगा। ये शूटर करना अंकिता को पकड़ो, दिखाओ ये देखिए। लो भैया वापिस ले लो, ये अंकिता है। अब भाई अब ये टूटा रास्ता मिला है, कल से हम चले हैं। बाकी जूस आपका क्यों नहीं खुल पा रहा है भाई? क्योंकि बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। बस थोड़ी सी देर की बात और है, प्रासर लेक अपना रह गया 5 किलोमीटर ये रहा। और रास्ता अब ऐसा मिला है टूटा हुआ, फर्स्ट गियर में चल रही है गाड़ी, चढ़ाई भी है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट गियर में चलानी पड़ रही है। बाकी रोड अभी तक सही थे, अभी ये पता नहीं कितनी देर का ये पैच खराब है। पूरे रास्ते पे ना दोनों तरफ भाई, हम ऊपर की तरफ अब हिल पे जा रहे हैं और ना दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, मतलब इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी, घना जंगल बोलते हैं ना, व्यू इतने अल्टीमेट है। हम चले ना देखो सामने भाई, क्या अल्टीमेट व्यू है, इतने अल्टीमेट व्यू है। फोटो शूट के लिए हम 7:30 के चले हैं, 9:18 और 10 किलोमीटर भी हमने सफर तय नहीं किया है, इतने बेहतरीन व्यू है। देखो गाड़ी तो अपनी एक नंबर लग रही है। और ये देखो सामने लेक है, छोटा सा लेक है, हम तो आगे जा रहे हैं प्रासर लेक, वो आगे 3 किलोमीटर अभी यहाँ से, और ये छोटा सा है, मतलब पानी है क्या है, बट अल्टीमेट व्यू है। ये देखिए भाई हम अभी यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल चल रही है। अब हम आप सोच रहे होंगे पहाड़ों में भी अब ये ऐसे कैसे करने लग गए हरियाणा वाले, पहले सड़कों पे बैठते थे अब पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये हमारी जो महिलाएं हैं ये हमें प्रताड़ित कर रही हैं, हमें एक भोजन नहीं दे रही हैं। आप देख सकते हैं सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, आगे तब बढ़ेंगे। मैं भी आपके साथ बैठ रहा हूँ, आगे हम गाड़ी में आगे जा रहे हैं ना ही कुछ, आप गाड़ी दोनों भाई करेंगे हम आगे नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, रोड पर हड़ताल करेंगे।
सब कुछ ब्लाइंड है। 50 मीटर